हेलो दोस्तों, मैं मेह सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपके चैनल में फिल्म इंजीनियर। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो ट्रेंडिंग पे है, बॉयकॉट। तो आप लोग ऐसा बोल रहे होंगे, यार ट्रेंडिंग पे टॉपिक चल रहा है तो यार ये व्यूज़ कमाने के लिए कुछ भी बनाएगा, हम कुछ भी देख लेंगे। ना भाई, मुझे व्यूज़ नहीं कमाने, मुझे लोग कमाने। और पहली बात तो ये है कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो मेरे चैनल के रिलेटेड है। और क्यों चैनल के रिलेटेड है? क्योंकि ये फिल्मों की बात है और इस टॉपिक के वजह से आप बेवकूफ़ बन रहे हो। और वो क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो, वो टॉपिक और वो वजह जानने के लिए मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखेगा। आप क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो और आपको कौन बेवकूफ़ बना रहा है? तो ये मुद्दा शुरू होता है 2015 में, जब आमिर खान ने एक इंटरव्यू के दौरान एक बात कह दी थी, जिसके वजह से ये जो मुद्दा है तब से भड़का हुआ था। और वो बात ये थी कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ऐसा बोला था कि मेरी बीबी और बच्चे, मेरी बीबी मुझे रात के दौरान ऐसा बोल रही थी जब मैं कन्वर्सेशन कर रहा था, तब ऐसा बोल रही थी कि यार ये जो कंट्री है मेरे बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए ये कंट्री से हमें चले जाना चाहिए। से ये मुद्दा और ये जो टॉपिक है ट्रेंडिंग पे आ गया था, बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। एक बात आपको ऑनेस्टली कहना चाहूँगा कि आमिर खान जो है एक मास्टरमाइंड एक्टर है, जिससे मतलब आप लोग बोलोगे यार ये जो बात तू बोलने जाने वाला है सही में ये यार ऐसा हो सकता है? तो आमिर खान के वो कांड के बाद ये जो टॉपिक जो ट्रेंड में आ गया था, सब बोल रहे बॉयकॉट, ये 2015 की बात थी, तब दंगल रिलीज होने वाली थी। और दंगल के टाइम पे भी बॉयकॉट, दंगल बॉयकॉट, दंगल बॉयकॉट, साला कोई देखने नहीं जाएगा दंगल, कोई देखने नहीं जाएगा, बॉयकॉट करने का कोई नहीं जाने का, आमिर खान की फिल्म देखे कोई नहीं जाएगा। तो उसके बाद दंगल कमाती है 2000 करोड़ वर्ल्ड वाइड। ये पहली कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, बहुत सारी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। संजय लीला भंसाली को देख लीजिए यार, उनकी बहुत सारी फिल्में, गोलियों की रासलीला, रामलीला, फिर दूसरी फिल्म पद्मावत, वो इतनी कंट्रोवर्सी में गिर गई थी वो फिल्म पद्मावत, के मतलब वो दीपिका पादुकोण की ऐसी अफवाह फैली थी कि नाक काट डाला दीपिका पादुकोण का, ऐसी अफवाह फैली थी। मतलब तभी भी बॉयकॉट पद्मावत ऐसा चल रहा था, बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा था। और बॉयकॉट करने के बाद पद्मावत कमाती है कितने, 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड। तो मुद्दे की बात, पॉइंट की बात ये है कि हम लोग जो बॉयकॉट बॉयकॉट कर रहे हैं ना सब लोग, वो बंद कर दें, क्योंकि ये बॉयकॉट के वजह से जो फिल्म ट्रेंड में नहीं होती है वो फिल्म ट्रेंड में आ जाती है। और आमिर खान खुद इस बॉयकॉट को सपोर्ट कर रहे हैं भाई, भले ही वो सामने आके बोल रहे हैं कि यार मेरे फिल्म को बॉयकॉट मत करो, देखने जाओ। मेरा ओपिनियन और एक ऑनेस्टी के साथ, एक रिसर्च के बाद मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो बॉयकॉट का जो ट्रेंड है उसके वजह से फिल्म चर्चे में आती है, और चर्चे के वजह से जिनको देखनी नहीं होती वो भी देख लेते हैं फिल्म, और फिल्म कमा जाती है। तो फिर बॉयकॉट करके क्या फ़ायदा? बॉयकॉट मतलब क्या, बॉयकॉट शब्द का मीनिंग क्या है? कि कोई चीज़ को अपोज करना, उसका मतलब है बॉयकॉट। और हम अपोज नहीं, उस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। आप ऑनेस्टली बोलिए, मेरे ओपिनियन से आप सहमत है कि नहीं? क्योंकि बॉयकॉट पद्मावत भी हुआ था, उसने 300 करोड़ कमाया था, बॉयकॉट दंगल भी हुआ था, उसने भी 2000 करोड़ कमाया था भाई। तो मतलब बॉयकॉट करके भाई क्या कुछ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा फायदा एक्टर्स को ही हो रहा है जिनके ऊपर हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ, नोबडी हैज फोर्स्ड यू। हां, आंख बंद नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शार्प बन।